हेलो गाइस, कैसे हो? मैं हूं नवाब, आप देख रहे हो मोटिवेशन टेक लॉग गाइस। जी हां गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं कंपैरिजन हमारी प्यारी एक्टिवा 6G जो ये मेरी है और एक्टिवा 5G जो किसी और की है। तो इसके बीच में कंपैरिजन हो गया है। इन दोनों को कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं लिए हुए, तो गाइस इन दोनों को कंपैरिजन करते, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आएंगे हम लोग एक्टिवा पे गाइस, इस वाली एक्टिवा पे गाइस। तो देखेंगे हम लोग इसमें क्या क्या अच्छे फीचर्स आते हैं गाइस। सबसे पहले यहाँ पे आपको सही 100 किलोमीटर मिलते हैं चलाने के लिए, और गाइस यहाँ पे आपका अब तक का ये सब ठीक है, इसमें भी वैसा मीटर नहीं है। उसके बाद गाइस इसमें आपको ये जो की मिलती है गाइस, जी हाँ गाइस, ये की होती है, की पे ये होता है। और गाइस आपको पता है हर एक्टिवा में ये लॉक ज़रूर मिलता है गाइस, और यहाँ से आप अपना ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपको पावर बटन मिलता है। अच्छा, अभी हम लोग इसी चीज़ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिलता है एक लाइट का बटन, इसमें LED लाइट मिलती है। 5G मॉडल में LED लाइट आई थी, LED मिलेगी। और साथ में यहाँ पे गाइस यहाँ पे आपको कोई वाला बटन दिखता है, और यहाँ पे आपका वही क्या ही बोलूँ, ऑन वाला बटन। सो गाइस अभी बात करें एक्टिवा 6G की, चलो एक्टिवा 6G को ही देखते हैं। सो गाइस एक्टिवा 6G में तो मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी इसमें भी वैसा ही कंट्रोल है, 100 गाइस, यहाँ पे 100 का वो मीटर है, और वही सब सेम है। बस इसमें एक फंक्शन अच्छा दिया गया है, ये गाइस सेल्फ स्टार्ट गाइस, ये यहाँ पे अच्छा दिया गया है। क्योंकि आप जैसे एक्टिवा 6G 5G में देखोगे कि आपको यहाँ पे दिया गया आपको ऑफ़ करनी है गाड़ी, तो आप यहीं से ऑफ़ कर सकते हो, लेकिन इसमें गाइस आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हो। अब मैं दिखाऊँ आपको कैसे। सो गाइस सबसे पहले आप देखोगे कि जो हमारा ये हम लोग ने इसमें चाबी लगाई है, अभी हम लोग ने इसको गाइस मैंने ऐसे बटन दबाया, लेकिन ऐसे ही मैंने बंद कर। सो गाइस अभी हम लोग गए, हम लोग जाएंगे 5G में, और 5G में यही फंक्शन देखेंगे। तो 5G में क्या देखने को मिलता है गाइस, चलो स्टार्ट कर लिया इसको, यहाँ से हम लोग ने इसको स्टार्ट किया गाइस। मैं स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया, लेकिन हमको ऑफ करना है इसको। सो गाइस हम लोग को नीचे से करना पड़ेगा जाके यहाँ से, लेकिन अगर वही 6G में दिखाता है तो 6G में हम लोग ऐसे उसको ऐसे दबाएंगे बटन तो ऑफ हो जाएगी। तो इस मामले में जीतती है एक्टिवा 5G। अब आते हैं LED लाइट मामले में, अब हम लोग ने लाइट ऑन ऑफ कर ऑन कर दिया। अब यहाँ पे आपका लाइट ऑफ करने का कोई बटन नहीं है, जबकि 6G में भी ये ऑप्शन नहीं है लाइट ऑफ करने का। तो फिर मैंने इसका भी देखिए ऑन कर रखा है, इसमें देखिए गाइस यहाँ पे जो लाइट जल रही है वो नॉट LED लाइट है। और यहाँ पे आप आके देखोगे गाइस यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी LED लाइट देखने को मिल जाती है, जो पूरे समय जलती रहती है जब आप इसको ऑन करोगे, क्योंकि अभी भी जल रही है। सुबह से अभी दूसरे फंक्शन पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा फंक्शन है कि यहाँ पे भी आपको यहाँ से सीट ऑन ऑफ करने का मिलता है एक्टिवा में। तो अभी हम लोग इसको जैसे ऑन करते हैं, इसको हम लोग ऑन करते हैं, अब हम लोग ने सीट तो खोल ली, अब इसको खोलेंगे। इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है देख सकते हो, जबकि गाइस जो ये है इसमें ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें गाइस हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप कमेंट में देखेंगे, कमेंट में मुझे बोलिएगा कौन सा ज़्यादा बड़ा। सो गाइस दूसरी बात कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पे 5G में यहाँ पे आपको फ्यूल देखने को मिलता है, जबकि 6G में एक अच्छी खासियत है कि आप यहीं से इसको फ्यूल को ऑन कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, जो ऑन हो फ्यूल खुल गया, आपको बैठे रहना है और ये आपका फ्यूल खुल जाएगा, जबकि 5G में वही 4G 3G वाला फंक्शन है। उसके बाद अब मुझे और कोई कंपैरिजन करने का लग नहीं रहा है, तो अभी चलिए अलग एक और कंपैरिजन पे हम लोग बात करते हैं। सो गाइस सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्टिवा ने जो इम्प्रूवमेंट किए हैं दोनों गाड़ियों में, कि जब आप इसको जैसे लॉक कर देते हो यहाँ से, तो गाइस सबकी अलग अलग की रहती है, देख रहे हो ये अलग अलग टाइप की रहती है। अभी मैं इसको खोल दूँगा, देखिए ये देखिए अभी खुल गई, लेकिन चलिए यही चीज़ हम लोग करते हैं एक्टिवा 6G में, बंद कर दिया। अब मैं इधर से ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, देखिए नहीं हो रहा है। अब भाई मैं इसकी चाबी से करूँगा तब देखिएगा, मैंने यही चाबी लगाई और मैं इसको ऐसे करता हूँ, हो गया वही तो गाइस हो गया। तो गाइस अगर ये फैक्ट आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसमें एक फंक्शन और देखने को मिलता है, आप यहाँ से लाइट को पास कर सकते हो। जी हाँ गाइस, ऐसे से करके लाइट पास कर सकते हो, यहाँ पे जो हम लोग को फंक्शन देखने को मिलता है लाइट पास का, लेकिन वहीं अगर हम लोग एक्टिवा 6G में चलेंगे तो यहाँ पे वो फंक्शन नहीं मिलता है हम लोग को गाइस, वो फंक्शन है ही नहीं गाइस।
सो गाइस बाकी वही फंक्शन है सेम। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।